आज हम सुनने जा रहे हैं रिजवान अली सोमरू की लिखी कहानी खूनी सड़क। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह होती है। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। अंधेरे के सबब सड़क पर गहरा सकूत तारी था। तारकूल की पक्की सड़क पर सन्नाटा तारी था। सड़क के दोनों अतराफ दूर दूर तक एक तवील मैदानी सिलसिला था, जिसमें खुदरू झाड़ियाँ और पौधे कसरत से उगे हुए थे। ये तवील मैदानी सिलसिला जा बजा ऊँचे नीचे टेलों पर मुश्तमिल था। 400 गंभीर सन्नाटे का राज था। ऐसे में एक कार की तेज़ रोशनी उभरी, उसने सन्नाटे के एहसास को मजरूह कर दिया। कार में दो लोग सवार थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की उम्र 26 साल के आसपास, जबकि लड़की की उम्र 24 साल की थी। लड़की ने दुल्हन का जोड़ा ज़ेब तन कर रखा था और वो फुल मेकअप में थी। साफ लग रहा था कि वो अपनी शादी छोड़कर भागी है। लड़के ने आम सी जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। हमने घर से भागकर कोई गलती तो नहीं की ना, लड़की ने मुस्कुराकर उस लड़के से कहा। नहीं, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, वैसे भी तुम्हारे घर वाले राज़ी भी नहीं थे, लड़का मुस्कुराकर बोला। घर वाले राज़ी भी हो कैसे होते, तुम कोई काम भी तो नहीं करते, लड़की ने जवाब दिया। तुम जानती हो मैंने नौकरी के हुसूल के लिए क्या नहीं किया, लड़की ने ठंडी सांस ली और इस बात पे सर हिलाकर खामोश हो गई। चंद ही लम्हे गुजरे हुए होंगे कि लड़की एकदम चौंक कर बोली, सरफराज हम कहाँ जा रहे हैं। हम लोग दानिश के घर जा रहे हैं, ये रात गुजार कर हम लोग शादी कर लेंगे और कल दूसरे शहर के लिए निकल लेंगे। मगर ये रास्ता दानिश के घर तो जाता नहीं, लड़की फिर चौंकी थी। ये शॉर्ट रास्ता है जो हमको जल्द दानिश की तरफ पहुंचा देगा। कहीं ये वही खूनी सड़क तो नहीं जिसके बारे में मुख्तलिफ लोग बातें मशहूर करते हैं, लड़की फिर चौंकी थी। कार बड़ी ही तेज़ रफ्तारी से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लड़की की बात सुनकर सरफराज कुछ देर तक खामोश रहा, फिर इस बात में सर हिलाकर हाँ किया और उसी तरह गौर से देखा और फिर बोला, सदफ तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, आज के दौर में ये सब बातें महज अफसानवी हैं, इसने सड़क की जानिब देखते हुए जवाब दिया। उस सड़क के मुतालिक जो भी बातें हैं वो झूठ तो नहीं हो सकती, मेरा मशवरा है कि सदफ के जुमले उसके मुंह में रह गए। उसके हलक से दिलखराश चीख निकली, एक ज़ोरदार धमाका था जो उसने सुना था। साथ ही कार का तवाज़ुन बिगड़ गया, कार के बोनेट से कोई चीज़ टकराई थी जिसे सरफराज ने साफ देखा था। वो न जाने क्या चीज़ थी जिसकी चमकती सुर्ख आँखें थी, जिसकी एक ही झलक उसको नज़र आई थी। कार लहराती हुई दाएं तरफ वाले मैदानी हिस्से में उतर गई। गाड़ी थोड़ी ही देर दूर चली होगी कि किसी चीज़ से टकरा कर रुक गई और सरफराज का सर कार के स्टीयरिंग से टकराया। सर पर रगने वाली चोट का कारी साबित हुई, जिससे वो फौरन ही बेसुध हो गया। सदफ ने चीखते हुए सरफराज को हिलाया, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की, वो बेहोश हो चुका था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था, कार में सरफराज बेहोश पड़ा था और सदफ अकेली थी। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे थे। उस सड़क से जुड़े तमाम पुरसरार वाक़यात उसके दिलो दिमाग में घूमने लगे थे। अगर उसको पता होता कि सरफराज इस सड़क से कार गुजारेगा तो वो कभी भी उस सड़क से उसको जाने ना देती, लेकिन अब क्या हो सकता था, कुछ तो करना था। चुनांचे सदफ डरते डरते कार से उतरी। उसने देखा कि कार के बोनेट पर बहुत सा खून पड़ा है। हो सकता था ये उसी चीज़ का खून हो जो चीज़ कार के बोनेट से टकराई थी। वो और आगे बढ़ी। ये देखकर वो चौंक गई कि कार एक बहुत तवील कदीम आदम मुजस्मा से टकरा कर रुकी है। उसने गौर से उस मुजस्मा को देखा। दूसरे पल वो चौंक गई, ये पत्थर का अजीब सा मुजस्मा था। सदफ को समझ ही ना आया
कि किस तरह का मुजस्मा है। अंधेरे के सबब उसके खद व खाल ठीक तरह से वाज़े नहीं थे। बस इतना हुआ, उसको खौफ की एक लहर अपने अंदर दौड़ती महसूस हो रही थी। वो हैरत और खौफ से उस मुजस्मे को देख रही थी कि अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। हाथ के रखते ही सदफ बुरी तरह से उछल पड़ी और उसके हलक से चीख निकल गई। उसने मुड़कर देखा तो फिर चीखों का न रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। उसने जिसको देखा वो बहुत ही खौफनाक था। उसकी लाल सुर्ख आँखें थीं जिनमें वहशत देख कर वो काँप रही कर रह गई थी। दूसरे पल सदफ लहरा कर उस नौवारिद की बाहों में झूल गई। दूसरे दिन सरफराज की लाश पुलिस ने उसी सड़क पर दरियाफ्त की थी और लाश की ये हालत थी कि उसके जिस्म और चेहरे पर जा बजा जख्मों के निशानात थे और जिस्म में खून बेहद कम था। यूं लगता था कि किसी दरिंदे ने बड़ी ही बेदर्दी से सरफराज का खून पिया है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सरफराज गुज़िश्ता रात शहर के एक बाइज़्ज़त बिजनेसमैन निसार अहमद साहब की लड़की को उसी की शादी से ले भागा था। अब पुलिस को उसकी लाश मिली थी, लड़की का कोई पता ना था। काशिफ खान शहर के एक मारूफ बिजनेसमैन थे। उन्हें अपने बिजनेस के सिलसिले में बैरून मुल्क सफ़र करना पड़ता था। चंद साल पहले तक काशिफ इतना कामयाब कारोबारी न था, बस छोटा मोटा सा कारोबार था जिसको चलाने के लिए बेहद पापड़ बेलने पड़ते थे। लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने उसके कारोबार को 10 साल में बुलंदी और उरूज बाम अता किया था। उरूज हासिल हो जाने के बाद भी उसके अंदाज में तकब्बुर पैदा नहीं हुआ था। हर एक से मोहब्बत और आजिज़ी से पेश आना उसकी आदत थी। उसकी मेहनत की वजह से मुल्क की सबसे बड़ी कपड़े की इंडस्ट्री उसके साथ कारोबार सौदे पर राज़ी हो गई थी। वक्त रात के 8 बजे तय पाया था। काशिफ रात 7 बजे घर से निकल गया था। बेगम एक खालिस घरेलू औरत थी। वो हमेशा ही उन बेवक्त की कारोबारी मीटिंग्स से चिड़त ही खाती थी। चुनांचा जब वो घर से बाहर निकला तो उसने नाक भौं चढ़ाई थी, लेकिन हंस कर टालते हुए घर से निकल आया था। जल्द पहुंचने के लिए उसने एक मुख्तसर रास्ते को चुना था। काशिफ जानता था अगर वो मुख्तसर रास्ते से नहीं जाएगा तो शायद कस्म की ट्रैफिक जाम में फंस जाएगा, जो कि गवारा ना थी। ये वही रास्ता था जिसको अख्तियार करने पर पाबंदी थी। उसकी वजह उस सड़क पर होने वाली पुरेसरार अमवात थी। पहले पहल उस सड़क पर खासी आमदोरफ्त हुआ करती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों में डर और खौफ फैलने लगा था। बहुत जल्द ये खूनी सड़क के नाम से मशहूर हो गई। उसकी वजह लोगों की लाशें थीं जो उस सड़क से मिला करती थीं। वो लाशें बर्बरियत और वहशत का आला नमूना हुआ करती थीं। लाश के चेहरे और जिस्म पर जख्मों के जा बजा निशानात होते और जिस्म में खून बेहद कम पाया जाता, जिससे ऐसा लगता कि किसी दरिंदे का कारनामा है। जब इस तरह के वाकयात बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो हुकूमत की तरफ से इंक्वायरी टीम तश्कील दी गई, लेकिन टीम के मेंबरान भी इन हादसात का शिकार हो गए। जो जिंदा बचने में कामयाब हो सके हमेशा के लिए पागल हो गए। उनके चेहरों पर ऐसा खौफ पाया जाता जो कि नाकाबिल यकीन होता। लोगों ने उन वाकयात के बारे में बहुत कयास लगाए थे। कोई ये कहता कि ये कोई बदरूहों का ग्रोह है जो लोगों को वरगला कर अवाम का खून पी जाता है। कोई आदमखोर शेर की दास्तान सुनाता, मगर एक रवायत ने ज़्यादा शोहरत हासिल की। कहा जाता है किसी ज़माने ने में यहाँ पर किसी मुल्क के बागियों का ग्रोह आकर रहने लगा। ये ग्रोह ज़िंदगी गुजारने के लिए डाके मारा करता था। जब ये वाकयात बढ़ गए तो हुकूमत ने पुलिस पार्टी इन मजरूमों की सरगोबी के लिए रवाना की। डाकू को तो महफूज रहे, मगर पुलिस वाले कभी वापस ना आ सके। इसके बाद हुकूमत कोई और ठोस कदम उठा पाती, मुल्क में ताउन की वबा फैल गई, जिससे पूरा मुल्क शदीद मुतासर हुआ था। ताउन उस इलाके में फैला। चूँकि ये लोग मतलूब थे, इसलिए इनकी कोई मदद न की गई, जिसकी वजह से ये सारा कबीला वबा का शिकार होकर मारा गया। इसके बाद लोग ये समझने लगे कि इन मजरूमों की बदरूहें इस इलाके में लोगों को मारती फिरती हैं। चुनांचा हुकूमती इकदामात का कोई ठोस फ़ायदा ना होने की वजह से इस सड़क पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई और इस सड़क को हादसाती मुकाम करार देकर बंद कर दिया गया।
लेकिन फिर भी बहुत से मन चले जाते और फिर कभी वापस ना आते और उनकी लाशें इस हालत में मुब्तल मिलती जो कि वहशत और बर्बरियत का नमूना होती। काशिफ बड़े ही पुरसकून अंदाज में कार चलाता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था, दिल ही दिल में उन लोगों की तोहम परस्ती पर कहकहे लगा रहा था जो कि इस सड़क को आसीबी गर्दानते थे। अभी तक उसके साथ ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी जो गैर मामूली हो। सड़क के दोनों अतराफ तवील मैदानी सिलसिला था जिसमें खुदरू पौधे, झाड़ियाँ और ऊँचे नीचे टीले वाफर तादाद में मौजूद थे। काशिफ को कार चलाते हुए 10 मिनट से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था मगर सड़क ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सड़क तो शैतान की आंत की तरह लंबी ही होती जा रही थी। वो सोच में पड़ गया। उसके अंदाज़े के मुताबिक फासला इतना ज़्यादा नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के बाद उसे मेन रोड पर होना चाहिए था जहाँ से होटल से सिगाल का रास्ता शुरू होता है। अचानक उसकी नज़र फ्यूल मीटर पर पड़ी। फ्यूल का निशाना बताने वाली सुई 0 की जानिब इशारा कर रही थी, मतलब पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला था। अब शायद शरीयत किस्म की परेशानी काशिफ के चेहरे पर नज़र आने लगी थी। मुलाकात का वक्त भी शुरू हुआ जाता था। अचानक कार ने झटके लेने शुरू कर दिए थे। चंद हलामों के बाद कार लहराती हुई सड़क के दाएँ तरफ कच्चे में उतर गई। कार का फ्यूल मीटर 0 की रीडिंग शो कर रहा था और कार रुक चुकी थी। ओ खुदा, अब क्या होगा? काशिफ कार से निकलकर बड़बड़ाया। उसने घड़ी देखी तो रात के 10 बज रहे थे। काशिफ मज़ीद परेशान हो गया। कंपनी के लोग काशिफ का इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर वो लोग इंतज़ार करके चले गए तो साख बिजनेस मार्केट में ख़राब हो जाएगी। वो शदीद परेशान हो गया। ये उतना ही वक्त लग गया था जितना ट्रैफिक जाम में लगता था। दूर दूर तक ताहद निगाह वीराने और सन्नाटे का राज था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसको अपने फ़ोन का ख्याल आया। उसने फौरन ही जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला। ये देखकर उसको शदीद किस्म की मायूसी हुई क्योंकि फ़ोन बंद था। काशिफ की समझ में नहीं आ रहा था कि फ़ोन बंद क्यों है। उसको अच्छी तरह याद था कि जब घर से निकला था तो फ़ोन को अच्छी तरह से चार्ज कर लिया था। उसकी आदत हमेशा से थी कि जब भी वो घर से निकलता था अपना फ़ोन चार्ज करके ही निकलता था, लेकिन आज तो बिल्कुल ही अनहोनी हुई। शायद सर्दी का एहसास भी सता रहा था। चुनांचे उसने गाड़ी में बैठकर कार का हीटर ऑन कर लिया। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि काशिफ एक अजीब सी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा, जैसे कोई पायल पहने छन छन करता चला आ रहा है। काशिफ कार से बाहर निकल आया। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, दूर दूर तक गहरे सन्नाटे और खामोशी का राज था, लेकिन पायल की आवाज़ बराबर उसके कानों को सुनाई दे रही थी। खौफ का एहसास उसके दिल में सरायत करने लगा। वीराने और सन्नाटे में पायल की आवाज़ अच्छे खासे लोगों का खून खुश करने के लिए काफ़ी थी। काशिफ को वो सारी पुरसरार कहानियाँ याद आने लगी थी जो कि उस सड़क से मंसूब थी। वो इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक उसको दूर से रोशनी अपनी तरफ आती नज़र आई। उसने गौर से देखा तो वो कोई इंसान हाथ में लालटन लिए चला आ रहा था। जैसे ही नवार्द करीब आया, ये देखकर वो हैरान हो गया। वो एक लड़की थी जो कि देखने में देहाती मालूम होती थी। उस लड़की ने घाघरा चोली पहना हुआ था जो कि अक्सर व बेशतर उस इलाके के बंजारे पहना करते थे। उस लड़की ने खालिस देहाती लहजे में काशिफ को मुखातिब किया। बाबू, क्या हुआ? गाड़ी ख़राब हो गई? नहीं, गाड़ी तो ठीक है, मगर अफसोस पेट्रोल ख़त्म हो गया है, काशिफ ने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा। ओ, लड़की ने तासुब का इजहार किया। बस अब इंतज़ार है कि कोई मदद आ जाए, मगर तुम इस वीराने में कैसे? काशिफ ने हैरत से कहा। बाबू, यहाँ थोड़ी दूर एक बस्ती है जहाँ हमारा घर है। हम भूले भटके राहगीरों की मदद किया करते हैं, लड़की मुस्कुरा कर बोली। मगर मैंने तो सुना है यहाँ कोई आबादी नहीं है और यहाँ पर आमद रफ्त की पाबंदी है, वो बदस्तूर हैरत भरे लहजे में बोला। लालटेन की रोशनी में उसने देखा कि उसकी बात सुनकर लड़की के चेहरे पर एक रंग सा आ गया, जैसे वो एकदम गड़बड़ा सी गई हो। दूसरे पल वो मुस्कुरा कर बोली, नहीं बाबू, ये यहाँ एक डाकुओं का गिरोह है जो आवाम को परेशान करता है, लोगों से लूट मार करता है। अच्छा, जवाब मुख्तसर था। बाबू, तुम हमारे घर चलो, रात हमारे घर में गुजार लेना,
सुबह कोई ना कोई गाड़ी गुजरेगी तो फिर पेट्रोल का भी कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। लड़की फिर मुस्कुराई थी। काशिफ ने दिल में सोचा कि सारी रात यहाँ गाड़ी में काली करने से बेहतर है लड़की के साथ चला जाए, सुबह होने पर देखा जाएगा, क्योंकि अभी दूसरी गाड़ी का गुजरने का कोई आसार नहीं है। मीटिंग तो ख़राब हो ही गई है। चुनांचे काशिफ इस बात में सर हिलाते हुए उसके साथ चल पड़ा। चलने से पहले कार के डैशबोर्ड से टॉर्च निकालना नहीं भूला था। डैशबोर्ड में हमेशा एक टॉर्च मौजूद रहती थी ताकि अगर कार में कोई छोटी मोटी खराबी हो जाए तो टॉर्च की रोशनी की मदद से दूर की जा सके। लड़की आगे आगे चली जा रही थी और वो उसके पीछे था। टॉर्च की रोशनी में काशिफ ने लड़की के सरापे को गौर से देखा। लड़की बेहद हसीन थी और उसकी चाल बहुत दिलकश थी। बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने चलते चलते पूछा। काशिफ खान। क्या करते हो? कारोबार है मेरा कपड़े का, लड़की ने जवाब न दिया। वो दोनों चलते ही रहे। काशिफ बस लड़की की दिलकश चाल को देखता चल रहा था। उसे अपने कारोबारी मीटिंग के ख़राब होने का बहुत अफसोस था, मगर क्या हो सकता था। थोड़ी देर चलने के बाद उसको आबादी के आसार नज़र आए। चांद की रोशनी में मकानों के धुंधले और मुलगजे साए देखकर उसका हौसला बुलंद हो गया। आबादी देखकर उम्मीद जाग गई कि चलो रात का कोई इंतज़ाम हो गया, वरना पहले उसके दिल और दिमाग में यही था कि लड़की झूठ बोल रही है। थोड़ी दूर चलने के बाद मकानात साफ और वाज़ह नज़र आने लगे थे, लेकिन दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। अजीब साफ गैर फितरी सन्नाटा तारी था, जैसा सन्नाटा कब्रिस्तानों में हुआ करता है। उस चीज़ को महसूस किए बगैर ना रह सका था। इतना सन्नाटा क्यों है? बिल्कुल गैर फितरी सा, काशिफ ने हैरत से पूछा। उसकी बात सुनकर लड़की चौंक गई। अपने आप को संभालती हुई बोली, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं बाबू, सीधे साधे दिहाती हैं, ज़्यादा देर तक जागने के आदी नहीं, जल्द सो जाते हैं। उसने कोई जवाब न दिया। न जाने क्यों ऐसा लगा कि ये झूठ बोल रही है, मगर क्यों? उसका जवाब काशिफ के पास नहीं था। उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा, अभी फ़िलहाल उसके साथ चला जाए। उसके जहन में ये ख्याल था कि ये लड़की ज़रूर इस इलाके के डाकुओं की साथी है, मगर उसने ख़ुद को हालात के हवाले कर देना बेहतर समझा, क्योंकि वो सारी रात गाड़ी में तो नहीं गुजार सकता था। चुनांचे काशिफ चुपचाप उसके साथ चलता रहा। कुछ ही लम्हात के बाद अचानक वो उसकी जानेब देख कर गोया हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? रागुना। नाम बड़ा ही अजीब सा था, ऐसा नाम तो उसने ज़िंदगी में पहली बार ही सुना था, मगर उसका दिल रखने के लिए उसने उसके नाम की तारीफ कर दी। बहुत खूबसूरत नाम है जो कि तुम पर बहुत जज रहा है। अपनी तारीफ पर काशिफ ने उसके होठों पर मुस्कुराहट देखी, जिसमें एहसास ए तफाखुर नुमाया था। उसकी मुस्कुराहट काशिफ को सपाट और खोखली लगी, बिल्कुल गैर फितरी, ज़िंदगी के हर एहसास से आ रही। काशिफ कोशिश के बावजूद भी उसमें ज़िंदगी तलाश न कर सका। अचानक लड़की ने मुस्कुरा कर काशिफ को मुखातिब किया, तुम मुझे तोहम परस्त इंसान मालूम होते हो, अगर बस्ती सन्नाटा है इसमें गैर फितरीपन कहाँ से घुस गया? शायद मैंने गलत कहा हो, लेकिन मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है मेरे कदम किसी बस्ती के बजाय कब्रिस्तान की सिमत उठ रहे हैं। लड़की ने कोई जवाब ना दिया, बस अजीब अंदाज में मुस्कुरा कर रह गई। जिस अंदाज में वो मुस्कुराई उसको देख कर उसको फिर किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा था। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके इर्द गिर्द कोई अनदेखा जाल सा है जिसमें वो फंस रहा है। कुछ दूर चलने के बाद चांद की रोशनी में काशिफ को पत्थर का एक मुजस्मा नज़र आया। पत्थर के इस मुजस्मे को देखकर वो हैरान हुए बगैर ना रह सका। ये एक अजीब सा मुजस्मा था जिसको वो कोई नाम ना दे सका। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि ये मुजस्मा किसी औरत का था जिसके खदोखाल नहायत खूबसूरत थे। अजीब बात ये थी कि इस मुजस्मा को देखकर काशिफ के अंदर एक सर्द सी लहर दौड़ती महसूस हुई थी। उस मुजस्मा को देखकर किसी रियासत के हुक्मरान का गुमान होता था। ये किसका मुजस्मा है? काशिफ ने रागुना से सवाल किया। ये हमारी देवी है रामोना, हम इसकी पूजा करते हैं, यही है जो हमको मौत के बाद ज़िंदगी देगी, रागुना ने अकीदत मंदाना अंदाज में जवाब दिया। काशिफ उसके ख्यालात सुनकर कांप कर रह गया कि रागुना ने पत्थर के मुजस्मा से अपनी तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, हालांकि उम्मीदों का महवर सिर्फ़ और सिर्फ ज़ात वाहिद ही होनी चाहिए। कुछ ही देर बाद वो बस्ती के अंदर दाखिल हो गए। बस्ती के अंदर मज़ीद हैरतों का सामना करना पड़ा।
उस बस्ती को देखकर ऐसा लगता था कि किसी दफन शुदा शहर में आ गया हो। यूँ लगता था कि ये बस्ती आसार कदीमा की दरियाफ्त हो। कोई भी मकान सालिम हालत में न था, सब टूट फूट चुके थे। अक्सरियत ऐसे मकानों की थी जो कि खंडर मालूम होते थे। वो अगर मजबूत असाब का मालिक ना होता तो शायद बेहोश होकर गिर जाता। रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में एक पुरसरार लड़की काशिफ को ऐसी बस्ती में ले आई थी जो कि ज़्यादातर उजाड़ और वीरान मालूम होती थी। अब वो सारी दुनिया पुरसरार कहानियाँ वो सारी कहानियाँ उसे याद आने लगी थी जो उस सड़क से मंसूब थी। एक सर्द सी लहर उसको अपने जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हुई थी। काशिफ ने सोचा जो होगा देखा जाएगा। उसने अपने आप को हालात के मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया था। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए एक ऐसे मकान में दाखिल हुए जो कि दूसरे मकानों की तरफ उजाड़ वीरान और खंडर सा बना हुआ था। लड़की उसको लेकर एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां दीवारों पर एनर्जी सेवर की जगह बड़ी बड़ी मोमबत्तियाँ रोशन थी जो देखने में बड़ा ही पुरसरार तासुर पेश कर रही थी। उन रोशन मोमबत्तियों को देखकर काशिफ ने अपने जिस्म में लर्जिश महसूस की थी। न जाने क्यों उसे ये सारा माहौल असीबी लग रहा था। कमरे की दीवारें स्याह थीं। बाएं तरफ वाली दीवार के साथ एक चारपाई बिछी हुई थी। चारपाई पर एक पुराना सा गद्दा बिछा हुआ था। दीवार की दूसरी तरफ एक जर्द मटका और एक गिलास मौजूद था, लेकिन कमरे में किसी तरह के पंखे का कोई भी वजूद न था। लेकिन पंखा ना होने के बावजूद काशिफ को गर्मी का ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा था। उसको हल्की सी सर्दी महसूस हो रही थी जो कि उसके लिए नहायत ही हैरत अंगेज थी। क्या इस घर में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है? काशिफ ने हैरानी से पूछा। नहीं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। लेकिन तुम परेशान मत हो, सुबह होते ही चले जाना तुम। जागोना मुस्कुराई। शुक्रिया, मगर क्या बस्ती के दूसरे लोग तुम्हारे घर किसी अजनबी मर्द की मौजूदगी पर एतराज़ नहीं करेंगे? ओ, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, यहाँ कोई किसी के ज़ाती मामलात में दखल नहीं देता। जाहुना ने जवाब दिया। मुझे हैरत है। ओ, तुम उसकी फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इतना कहकर वो उसका जवाब सुने बगैर ही बाहर निकल गई। काशिफ चंद लम्हों तक पत्थर के बुत की तरह खड़ा रहा और फिर तवील सांस लेकर चारपाई पर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी छठी हिस किसी ख़तरे का एहसास दिला रही थी, लेकिन वो कहीं भी जा भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी गाड़ी भी ख़राब थी। अपने आप को हालात के सुपुर्द करने के सिवा कोई और चारा भी न था। जागुना उसको आसीबी कमरे में इन तनहा छोड़कर उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करने चली गई थी। उसको चारपाई पर बैठे हुए थोड़ी देर गुजरी होगी कि अचानक उसको कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा तो जागुना हाथ में एक थाल लिए खड़ी नजर आई। जागुना को देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। जागुना ने अपने जिस्म पर सतरपोशी के लिए सिर्फ एक चादर ओढ़ रखी थी। चादर से उसके जिस्म की रानाइयाँ फूट रही थी। काशिफ की नज़रें अस खुद झुक गई थी। जागुना ने चेहरे पर बहुत ही गहरा किस्म का मेकअप कर रखा था। उससे कबल जागुना का चेहरा मेकअप से आरी था। लो बाबू, खाना खाओ। ये कहकर उसने काशिफ की जानिब थाल बढ़ा दिया। उसने फौरन हाथ बढ़ाकर थाल ले लिया था। थाल लेते हुए काशिफ के हाथों की उंगलियां उसके हाथों से टकरा गईं। उंगलियां उसके हाथों से टकराते ही हैरत का एक शदीद झटका सा लगा। जागुना का हाथ बेहद गर्म था। यूँ लगता था जैसे किसी तपे हुए लोहे से उसके हाथ टकरा गए हों। उसने हैरत भरी नज़रों से उसकी जानिब देखा लेकिन कहा कुछ नहीं। लेकिन जागुना उसकी निगाहों का मतलब समझकर मुस्कुराकर बोली, मुझे बुखार है बाबू। काशिफ उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा और बोला, इतने तेज़ बुखार के बावजूद तुम मेरी मदद के लिए कहीं से भी? तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम बीमार हो। उसके लहजे में हैरत थी। मैं क्या करूँ बाबू, मैं ऐसी ही हूँ, किसी को तकलीफ़ में देखकर अपना दर्द भूल जाती हूँ। जागुना ने मुस्कुरा कर कहा। उसने कोई जवाब ना दिया और खाने की सिमत तवज्जो कर ली। थाल में चावल थे और उनमें बोटियाँ थीं। तुम खाओ, मैं दो मिनट में आती हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। चावल वाकई मज़ेदार थे। इतने लजीज चावल तो उसने शहर में भी नहीं खाए थे। काशिफ खाने में मशगूल था कि जागुना फिर उसके सर पर आन खड़ी हुई। इस बार उसके हाथ में एक प्याला था जिसमें कोई मशरूब था। बाबू, तुम्हारे लिए यहाँ की एक ख़ास चीज़ लाई हूँ, पीकर खुश हो जाइए। इतना कहकर उसने वो प्याला काशिफ के हाथ में थमा दिया। काशिफ जो कि चावल ख़त्म कर चुका था,
मशरूब का प्याला लेकर मुस्कुराया और बोला, बहुत शुक्रिया तुम्हारा जाखुना, चावल बहुत लजीज है। इतना कहकर उसने देखे बगैर ही मशरूब से मुँह लगा लिया। मशरूब जैसे ही उसके हलक से उतरा, जागुना के होठों पर नहायत ही पुरस्रार किस्म की मुस्कुराहट दौड़ गई। मशरूब का जायका नहायत तल्ख था, लेकिन था वो भी मज़ेदार। मशरूब पीते ही उसकी आंखें खमार आलूद हो गईं। अब पहली बार उसने जागुना को बदली हुई नज़रों से देखा, जबकि जागुना पर फातेहाना मुस्कुराहट थी। उसने जागुना का हाथ पकड़ लिया, उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। ज़िंदगी में पहली बार काशिफ ने अपनी बीवी के अलावा किसी गैर औरत की गुर्बत हासिल की थी, वगरना उसने अपनी बीवी के सिवा किसी नामहरम को आज तक नहीं देखा। लेकिन जागुना की पिलाए मशरूब में न जाने क्या बात थी, जिसने उसकी सारी पारसाई को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। काफ़ी देर तक उसके और जागुना के दरमियान कुर्ब का माहौल रहा, उसके बाद वो सो गया। अचानक एक तेज़ किस्म की चुभन से उसकी आंख खुल गई। दर्द का शदीद एहसास काशिफ को अपने जिस्म में महसूस हो रहा था। चुभन का एहसास उसको अपनी गर्दन के पास हो रहा था, साथ कोई ठंडी सी शय अपनी गर्दन के पास बहती महसूस हो रही थी। उसने पूरी आंखें खोल कर देखा तो खौफ से उसकी चीख निकल गई। जागुना उसके ऊपर झुकी नज़र आई। उसके हाथ में एक तेज़ धार खंजर था जो कि खून से भरा हुआ था और उसके होठों पर खून लगा हुआ था। उसको ये समझने में बिल्कुल देर न लगी कि जागुना खून आशाम है और खंजर की मदद से लोगों की गर्दनों पर चीर लगाकर उनका खून पीती है। चुभन का एहसास उसी खंजर का था। उसने दोनों हाथ की मदद से जागुना को धक्का दिया और चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसकी गर्दन से खून निकल रहा था, जिससे वो भीग गया था। धक्का लगाते ही जागुना दूसरी तरफ जा गिरी थी। काशिफ फौरन ही कमरे से बाहर निकल भागा। जागुना भी चिल्लाती हुई पीछे भागी थी। उसकी आवाज़ खमार आलूद थी। बाबू बाबू, मैं बहुत प्यासी हूँ, तेरा खून बहुत लजीज है। अब तो सड़क पर कोई भी नहीं आता, तुम आए हो तो हमारी प्यास बुझेगी। उसका दिल एक अजीब अंदाज में धड़क रहा था। चुड़ैलों की कहानियों में पढ़ा और फिल्मों में देखा था, लेकिन उसका इत्तेफाक आज पहली बार ही हुआ था। उसको अब पता लग गया था कि इस सड़क पर लोग की लाशें जो मिलती हैं, वो इन बदरुओं की मरहूने मिन्नत है। वो जिस कमरे में घुसा था, उस कमरे में भी वैसी ही मोमबत्तियाँ रोशन थी जो कि जागुना वाले कमरे में रोशन थी, जिससे कमरे का माहौल आसीबी और पुसरापुर इसरार हो रहा था। काशिफ ने कमरे का जायज़ा लिया तो कमरे के अंदर की चीज़ें देखकर वो मज़ीद दहशत ज़दा हो गया। कमरे के अंदर लादादात इंसानी खोपड़ियाँ और ढांचे मौजूद थे, जिनका ढेर एक दूसरे के ऊपर था। न जाने किन बदनसीब इंसानों को मार कर ढांचों में बदल दिया गया। वो फौरन ही उन ढांचों के पीछे जा छुपा। अब किसी भी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना चाहता था। जागुना उसके ताकुब में आगे ही निकल गई थी। उसको ढेर के पीछे छुपे थोड़ी ही देर हुई थी कि एक अजीब सी आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। वो आवाज़ उस ढेर से आती हुई महसूस हो रही थी। वो आवाज़ नहायत अजीब सी थी, दर्द व कर्ब में डूबी हुई, जैसे कोई सख्त तकलीफ में हो, बीमार हो। उसने चौंक कर इधर उधर देखा तो उसको ढेर में हरकत महसूस हुई। ढेर अपनी जगह छोड़ता जा रहा था। अचानक उसने ढेर के वस्त से एक हाथ बरामद होते देखा। बरामद होते हुए हाथ को देखकर उसकी चीख निकल गई और उसको झरझरी आने लगी। वो एक इंसानी वजूद था जो कि आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा था। उस इंसानी वजूद को देखकर काशिफ अपनी चीखों पर काबू न रख पाया। वो इंसानी वजूद था ही इतना खौफनाक। उसका पूरा जिस्म जगह जगह से ज़ख्मी था, जिससे खून और चर्बी झांक रही थी। उसके चेहरे और आँखों के ज़ख्मों पर छोटे छोटे सफ़ेद चावल के दाने के बराबर कीड़े रेंग रहे थे, जो कि उसके ज़ख्मों पर लगा खून चाट रहे थे। उसकी आँखों की जगह बड़े बड़े डेले थे और सफ़ेद दांतों के तवील कतार झांकती नज़र आ रही थी। वो खौफनाक इंसान काशिफ की जानिब बढ़ा। वो ढांचों पर पैर रखता हुआ आगे बढ़ रहा था। जिस भी ढांचे पर पैर रखता, एक चीख की आवाज़ बुलंद होती। चीख उन ढांचों से बुलंद हो रही थी। वो आगे बढ़ता जाता। उसने सोचा कि अगर मैं जान बचाकर भागा नहीं तो वो मुझे जान से मार देगा। वो खौफनाक इंसान जैसे ही उसके करीब पहुंचा, उसने काशिफ की गर्दन पर हाथ डाल दिया। उसी पल उसकी हाजिर दिमागी काम आई और वो झुकाई देकर बच गया और घूमकर
एक भरपूर लात उसके पेट पर मारी और भाग खड़ा हुआ। उसने ये देखने की भी तौफीक न की कि उसकी लात का अंजाम क्या हुआ। जैसे ही काशिफ कमरे से बाहर निकला, सामने जागुना खड़ी नजर आई। उसे देखकर वो अंदाज़ा में हंसी और चीखती हुई उसकी तरफ भागी तो वो बौखला कर पलटा तो ये देखकर चौंक गया कि उसके पीछे वही खौफनाक इंसान खड़ा नजर आया। सूरत हाल अब ये थी कि काशिफ के सामने जागुना और पीछे वही खौफनाक इंसान खड़ा था। मौत उसकी उससे सिर्फ चंद कदमों के फासलों पर थी। अगर वो भागना चाहता तो भाग नहीं सकता था। आगे कुआं था और पीछे खाई। जुल्मोस दफा हो जा यहाँ से, ये मेरा शिकार है, जागुना ने उस खौफनाक इंसान की जानिब देखकर बोल आवाज़ लगाई। जवाबन उस खौफनाक इंसान के लब हिले। उसका मुंह खुलते ही काशिफ ने देखा कि बहुत से कीड़े उसके मुंह से निकल निकल कर फर्श पर रेंगने लगे। ये तेरा नहीं जागुना, रामुना देवी का शिकार है। तू एक हकीर सी दासी है जिसको खुरचन मिल जाए गनीमत है, वो पूरा हड़पना चाहती है। जुल्मोस के हलक से खोखली और चीखती हुई आवाज़ निकली। रामुना का नाम सुनकर काशिफ चौंक पड़ा क्योंकि ये उसी पत्थर के मुजस्मे का नाम था। उसने देखा कि रामुना के नाम पर जागुना के चेहरे पर मर्दनी दौड़ गई थी। चंद लम्हे तक वो सोचती रही और फिर बोली, कुछ भी हो, इसके खून से सिर्फ मेरी ही प्यास बुझेगी। लगता है तुमको सबक सिखाना होगा। उतना कहकर जुल्मोस ने जागुना के जानिब भागना शुरू किया। उसको भागते देखकर काशिफ बिल्कुल ही एक तरफ हो गया। जागुना ने जुल्मोस की तरफ भागना शुरू किया। दोनों ही उछलकर एक दूसरे से घुतम घुता करने लगे। काशिफ मौका जान बचाकर वहां से भाग निकला। जैसे ही वो उस खंडर नुमा मकान से बाहर निकला, उसके सामने एक दूसरा मकान था जो कि बिल्कुल उसी तरह का था। अभी काशिफ खड़ा ही था कि एक तेज चीख चुनकर वो उछल पड़ा। दर्द कर्ब में डूबी हुई चीख किसी औरत की थी। चीख सुनकर उसको ऐसा लगा कि जैसे कोई चीखने वाली को बड़ी बेदर्दी से ज़बा किया जा रहा है। उसका दिल यकबारगी उछल कर हलक में आ गया। वो अपनी तकलीफ भूल गया कि अभी कुछ देर पहले वो गैर इंसानी मखलूक के नाके में फंस गया था जो उसके हुसूल के आपस में लड़ पड़े थे। न जाने उनकी लड़ाई का क्या अंजाम हो। काशिफ अभी सोच ही रहा था कि वो क्या करे, चीख फिर बुलंद हुई थी। इस बार वो चीख पहले से ज़्यादा दर्दनाक थी। वो ये सोचे बगैर ना रह सका कि यहाँ कहीं को पर कोई मजबूर औरत जुल्म ढाया जा रहा है। उसका दिल उस मजलूम औरत की मदद पर आमादा होने लगा था। चुनांचे वो उठ खड़ा हुआ था। उसने मजलूम की मदद करके जो शायद उसकी तरफ अरगला करा लाई गई थी, वो अजियतनाक चीख फिर सुनाई दी जिसको उसने सुनकर जिसमें खौफ की एक तेज़ लहर दौड़ गई थी। खौफजुदा दिलो दिमाग में इंसानी हमदर्दी गालिब आ गई। उसे ख्याल के मुताबिक वो चीख उसी खंडर नुमा मकान से बुलंद हुई थी। काशिफ फौरन ही उस मकान में दाखिल हो गया, ये सोचे बगैर कि वो तो ख़ुद मुसीबत ज़दा है, फिर उसकी मदद कैसे करेगा। बहरहाल ये उसके लिए मुश्किल था। अंदर दाखिल होते ही वो चौंक गया। पूरा मकान खाली था जैसे उसमें कोई रहता ना हो। क्या उस मकान के मकीन कानों में तेल डालकर सो रहे थे या बहुत ज़्यादा खुदगर्ज थे कि किसी मजलूम की चीखें भी उनको मुतासर नहीं कर रही थी। अचानक उसके कानों ने फिर वही चीख सुनी जिसको सुनकर काशिफ चौंक गया। उसको ऐसा लगा कि चीख की आवाज़ ज़मीन के अंदर से आ रही हो। वो जिस जगह खड़ा था, चीख बिल्कुल ठीक उसी के नीचे से सुनाई दे रही थी। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दी और वो चौंक गया क्योंकि फर्श के नीचे की तरफ दब रही थी जैसे उसमें रास्ता बन रहा हो। काशिफ के लिए ये नई परेशानी थी। कुछ लम्हों के बाद सारा फर्श अंदर दब गया। वो एक जीना सा था जो कि नीचे की तरफ उतर रहा था जो कि एक तहखाने का रास्ता था। काशिफ शशोपंज में पड़ गया कि नीचे उतरे या नहीं। बहुत सोचने समझने के बाद उसने अल्लाह का नाम लिया और अब जीने पर कदम रख दिया। जैसे ही नीचे पहुँचा, उस लम्हे उसके कदम तहखाने के फर्श से चिपक कर रह गए थे। सामने वाला मंजर ही इतना लरस्ता हुआ था, आंखें उबल पड़ी थी। जो मंजर काशिफ की आंखों ने देखा था वो इंतहाई लर्जाखेज और रूह फरसा था। तहखाना की दीवार के साथ पत्थर का रामुना बुत खड़ा था जो कि उसने बस्ती में दाखिल होते हुए वक्त देखा था। उसे बिल्कुल सामने चोबी शिकंजे से एक नौजवान औरत जगड़ी हुई दिखाई दे रही थी।
उस औरत के चेहरे से दर्द कोप का ज़बरदस्त इजहार हो रहा था। आंखों में अजियत और खौफ के मिले जुले साए लहरा रहे थे। वो उस औरत को देखकर चौंक गया। काशिफ ने उसको पहचानने में ज़रा भी देर न लगाई, क्योंकि हज़ारों बार उसकी तस्वीर न्यूज़ चैनल और अखबारों में देख चुका था। ये वही लड़की थी जो कुछ अर्सा कबल अपनी शादी छोड़कर एक लड़के के साथ फरार हो गई थी। बाद में उस लड़की की लाश मिली, लेकिन लड़की लापता थी। ये सदफ़ थी। शिकंजे के करीब ही एक बड़े से खड्डे में आग दहक रही थी। एक डेढ़ उम्र मजबूत और सफ़ा किस्म का खौफनाक शख्स हाथों में दहकती सलाखें लिए सदफ की जानब बढ़ रहा था। साफ जाहिर था कि वहशी इंसान उसके खूबसूरत और नाजिक जिस्म को अजियतें दे रहा है। उस तहखाने में और भी बहुत से लोग थे जो उस आग के गिर्द दायरे की सूरत में खड़े थे। सब के सब वहाँ खड़े थे। उन सब के चेहरों पर अकीदत नुमाया थी। वो सफाक शख्स ही पूरे कपड़ों में था। अगले पल ही उस सफाक बूढ़े ने, जिसके हाथ में जलती हुई सुर्ख सलाख थी, उसने मुड़कर उसकी जानिब देखा। दूसरे ही पल काशिफ कांप गया, जिसका सारा खून अपनी रगों में जमता महसूस होने लगा। उफ़, ओहो, सर्द आँखें जिनमें सफाकियत भरी थी, उन आँखों में उसको सांप की तेज़ और खौफनाक चमक लहराती हुई नज़र आई। उसके मनहूस और शैतानी चेहरे पर दरिंदगी रक्स करती नज़र आ रही थी। उसके काले काले मोटे होठों पर नहायत ही शैतानी किस्म का तबस्सुम खेल रहा था। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, वो काशिफ की तरफ देख कर अजीब फटी हुई गैर इंसानी आवाज़ में बोला। मेरा? काशिफ का दिल खौफ से कांप गया। हाँ, तुम्हारा, वो मुस्कुराया। मुझे यकीन था कि तुम ज़रूर आओगे, और तुमको आना ही था। उसकी बात सुनकर खौफ की एक तेज़ लहर उसके जिस्म में दौड़ गई और उसका रहा सहा हौसला भी पस्त हो गया। पता नहीं उस मनहूस चेहरे पर ऐसी क्या बात थी। एक इंसान नज़र आने के बावजूद वो इंसानों से मुख्तलिफ था। उसकी आवाज़ गैर इंसानी और खोखली थी। जागुना की आवाज़ की तरह काशिफ का दिल दहशत से भर चुका था। नौजवान, इस लड़की के बाद तुम्हारा ही नंबर है। वो तो जागुना की गद्दारी कर दी, वगरना तुम वहाँ भाग नहीं सकते थे, बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला। जागुना का नाम सुनकर काशिफ को याद आया कि अभी कुछ देर पहले उस जागुना और जलमोस को उसके हुसूल के लिए लड़ते हुए देखा। वो दिल में सोचने लगा कि जागुना है कहाँ, मगर ये सवाल पूछने की हिम्मत न कर सका। बूढ़ा काशिफ के दिल की बात जानकर बोला, इधर देखो नौजवान। बूढ़े ने उस लड़की के दाएं जानेब इशारा किया। उसने दूसरी तरफ देखा तो जागुना फर्श पर पड़ी तड़पती नजर आई। उसके पूरे जिस्म पर वही सफ़ेद कीड़े चिपके हुए थे जो जागुना के जिस्म को चाट रहे थे, और पास ही जलमूस खड़ा था। जागुना के चेहरे पर शदीद किस्म की तकलीफ के तासुरात पाए जाते थे। ये उसकी गद्दारी की सज़ा है। कैसी गद्दारी? हाँ, गद्दारी, बूढ़ा गुस्से से बोला। वो तुम्हारा खून अकेले ही पीना चाहती थी। वो जानती थी कि तुम्हारा खून देवी रामुना की अमानत है, मगर तुम भाग निकले और अब उसको उस जुर्म की सज़ा मिलेगी। बहुत साल पहले इस बस्ती में ताऊन की बीमारी फैली थी, जिससे सारे लोग मारे गए थे। चूंकि हम लोग डकैत थे, इसलिए हुकूमत ने हमारी मदद नहीं की थी। इसलिए कोई इमदाद न मिलने के सबब सब के सब लोग मारे गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें। हम शुरू से मुकद्दस रामुना के पुजारी थे। रामुना के लिए खून फराहम करना हमारी जिम्मेदारी थी। इसलिए जो भी हमारे शिकंजे में फंस जाता, वो रामुना की भेंट चढ़ जाता। ताउन की वजह से हम लोग मारे गए, मगर हमारी रूहों को मुकद्दस रामुना ने फना होने नहीं दिया। फिर हम बाहर के लोगों से बदला लेने लगे। लोग अपनी गाड़ियों में यहाँ आते, हम उनके जिस्म का सारा खून पी लेते और लाश लोगों में खौफ पैदा करने के लिए सड़क पर छोड़ देते। हम चाहते लाश ले जाने वाले भी हमारा शिकार बन सकते थे, मगर जानबूझकर दहशत के लिए उनको छोड़ देते, ताकि लोगों में हमारा हरास फैला रहे। उसकी बात सुनकर काशिफ की आंखें खौफ से उबल पड़ी। ये उसके पास दहशत जदा था कि वो खून आशाम रूहों के चक्कर में फंस गया था। बूढ़ा चंद लम्हे जागुना को देखता रहा और फिर बोला, जागुना, चलो शाबाश, छलांग लगाओ, गरना तुम्हारी सज़ा की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी। मंजर बहुत खौफनाक था, जिसको सुनकर सदफ की चीखें निकल गईं। सदफ की चीख सुनकर काशिफ परेशान हो गया, और देखते ही देखते उस खूनी बूढ़े ने वो सलाख सदफ की गर्दन में घोंप दी।
सदफ़ की दिलखराश चीख निकली और खून का फवारा सा फूट पड़ा था। सदफ़ की इबरतनाक मौत देखकर काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहने के बावजूद भी सदफ़ को नहीं बचा सका था, चुनांचे उसको अपनी जान की फिक्र पड़ गई थी। ये वो मंज़र देख कर वहाँ से भाग निकला। बस वो तो उस मनहूस जगह से निकल जाना चाहता था। काशिफ को ऐसा लगा जैसे उसके पीछे बहुत से अनदेखे साए लगे हुए हैं। भागते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो दूसरे पल ही उसकी आंखों से खौफ जाहिर होने लगा। वो इंसानी ढांचे थे जो कि तादाद में बहुत ज़्यादा थे और उसके पीछे चिल्लाते हुए भाग रहे थे। सबसे आगे वो फरीबी बूढ़ा था जो चिल्लाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने ये सब देखा। उसके हलक से भी चीखों की आवाज़ें निकलने लगीं। भागते भागते काशिफ उस बुत के पीछे जाकर बैठ गया। रात अब गहरी हो चुकी थी। उसको उम्मीद थी कि उस अंधेरी रात में वो इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जाएगा। उसके अंदाज़े के मुताबिक रात के 12 से ऊपर का वक्त था। सांस बेहद तेज़ चल रही थी। वो बुत के पीछे बैठा हुआ अपने चढ़े हुए सांस को दुरुस्त कर रहा था। शायद किस्म की नफाकत, प्यास और थकन से उसका बुरा हाल था। काशिफ को बैठे बहुत देर हो चुकी थी और थकावट से बुरा हाल था। ढांचे भी शायद महस मायूस होकर जा चुके थे। उसने बुत से टेक लगाकर अंगड़ाई ली। बुत की दीवार एक गड़गड़ाहट से पीछे की तरफ हटने लगी थी। वो चौंक कर उठकर खड़ा हो गया। बुत के अंदर ये जीना नीचे की तरफ जा रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो लुढ़कता हुआ जीना से नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही दरवाज़ा बंद हो गया। दरवाज़ा बंद होते ही अंदर घुप अंधेरा छा गया। हाथ को हाथ सुझाई न देता था। काशिफ कराह कर उठा और आँखें फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ दिखाई न दिया। उसको ठंड महसूस हो रही थी। अचानक अजीब सी नागवार बू महसूस हुई, जैसे कि जमे हुए खून से आती है। या इलाही, ये क्या माजरा है? मैं किस गोर अंधंधे में फंस रहा हूँ? कहीं ऐसा ना हो यहाँ के पुरसरात वाक़यात मेरे जहन को गैर मुतवाज़न कर दें। काशिफ अज खुद बड़बड़ाया। अचानक रोशनी की एक नन्ही सी किरण नज़र आई जो कि उसके बिल्कुल सामने नज़र आ रही थी। वो किरण लाल रंग की थी जो बिल्कुल किसी जुगनू की तरह चमकती थी। फिर उस रोशनी के कतर बढ़ता ही चला गया। वो रोशनी इतनी बड़ी कि उस जगह की हर चीज़ बहुत साफ और वाज़े नज़र आने लगी थी। जो कुछ काशिफ को नज़र आया उसको देखकर वो दहशत ज़दा हो गया। उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वो मंज़र था कि इतना खौफनाक और हौलनाक कि काशिफ को वो सारे खौफनाक तजुर्बात फरामोश हो गए। वो एक तंग और तारीक कमरा था जिसकी दीवारों पर अजीब व गरीब किस्म के जानवरों की तस्वीरें लटकी हुई थी, जिनमें बलि नुमाया था और इशारों की ज़ुबान में न जाने क्या क्या लिखा था। उस तंग व तारीख कमरे के वस्त में संगमरमर के चबूतरे पर एक ताबूत रखा हुआ था जिसका ढक्कन खुला हुआ था। ताबूत के बिल्कुल सराहने की जानेब एक हनूत शुदा मम्मी की लाश मुजस्मा की तरह सर झुकाए खड़ी थी। उस मम्मी के फैले हुए हाथों में पत्थर का पतीला नमा कोई बर्तन मौजूद था जो कि झुका हुआ था। उस बर्तन से बूंद बूंद करके खून उस ताबूत में गिर रहा था। ताबूत के चारपायों और मोमबत्तियाँ रोशन थीं। मोमबत्तियाँ बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उसने दागोना के कमरे में देखी थी। काशिफ ने आगे बढ़कर जब ताबूत में झांका तो उसे इंसानी शक्ल की औरत की एक लाश दिखाई दी। काशिफ अब वहां से भागना चाहता था। उसने जब भागने की कोशिश की, देवी रामोना की लाश थी। काशिफ बाहर जाने का रास्ता तलाश करने लगा। जो रास्ता था उस पर वो शैतानी ढांचे मौजूद थे। काशिफ ने इधर उधर देखा तो उसको कुछ समझ ना आया कि वो क्या करे। मौत को इतने करीब देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने में वो बूढ़ा सामने आकर खड़ा हो गया। काशिफ ने इधर उधर देखा। उसकी नज़र उन शमदानों में पड़ी जिनमें मोमबत्तियाँ रोशन थी। उसने आगे बढ़कर एक शमादान को उठा लिया। जैसे ही उसने शमादान को उठाया तो उससे पहली बार उस बूढ़े की मनहूस आँखों में खौफ नज़र आया। छोड़ दो इसे, इस मुकद्दस शमा को, बूढ़ा खौफ ज़दा लहजे में बोला। काशिफ को समझ नहीं आया कि उस शमा की क्या वैल्यू है जो उसके छूते ही बूढ़ा इस कदर खौफज़दा नज़र आ रहा था। मुझे जाने दो वगरना मैं इस शमा को तोड़ दूंगा, काशिफ ने धमकी देते हुए जवाब दिया। उसने शमा को इस तरह उठाया जैसे तोड़ देगा। नहीं, तोड़ना मत वरना सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी, रामोना देवी जिंदा नहीं हो सकेगी, बूढ़े ने बदस्तूर खौफज़दा लहजे में काशिफ से कहा। ठीक है, फिर मुझे जाने दो। नहीं, जाने का ख्याल दिल से निकाल दो जवान,
इतना कहकर वो बूढ़ा चिल्लाते हुए अपने ढांचों से बोला, छीन लो ये मुकद्दस शमा रामोना के प्रस्तारों। ये देखकर काशिफ बौखला गया। उससे पहले कि वो कुछ करता, ढांचों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। ढांचों ने जैसे ही उसको पकड़ा, उसके हलक से चीख निकल गई, साथ ही उसकी गर्दन का ज़ख्म खुल गया और खून बहने लग गया था, जो टपकता हुआ सीधे रामोना देवी के मुंह के खुले दहाने में जा गिरा था। खून जैसे ही मम्मी के खुले दहानों में जा गिरा, बेजान मम्मी में हल्की सी हरकत पैदा होने लगी, जैसे कोई न देख सके। अचानक ढांचों ने काशिफ को धक्का दिया। धक्का लगते ही उसके हलक से चीख निकली और उसके हाथ से शमा छूट गई। शमा के नीचे गिरते ही आग भड़क उठी। आग के खौफनाक भड़कते उसने बूढ़े की आंखों में खौफ देखा। एक ऐसा जमू जो कि कामयाबी के करीब आने के बाद नाकामी मिलने पर होता है। तहखाने की महदूद फिजा गैर इंसानी चीखों से गूंज उठी थी। बूढ़े के हलक से भी चीखें निकलने लगी थी, साथ ही साथ ढांचों में भी आग भड़क उठी। आग ने उस मनहूस बूढ़े को भी नहीं बख्शा। वो मम्मी सर झुकाए खड़ी थी, आग से शूलों से महफूज नहीं थी। काशिफ मौका जानकर भाग खड़ा हुआ। भागते हुए उसने सिर्फ इतना देखा कि आग के भड़कते हुए शोलों में वो बूढ़ा बिस्मिल की तरह नाच रहा था और ढांचे टूट टूट कर गिर रहे थे। आग बहुत भड़क चुकी थी। बाहर निकलते काशिफ भागने लगा। उसका रुख अपनी गाड़ी की जनब था। गाड़ी इस हालत में सड़क पर खड़ी थी। उसने गाड़ी में बैठने में देर नहीं लगाई थी। उसने अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी की चाबी घुमाई तो थोड़ी ही मेहनत के बाद गाड़ी स्टार्ट हो गई। ये चीज़ काशिफ के लिए बाहर से हैरत थी कि जब गाड़ी रुकी तो उसमें फ्यूल मीटर ज़ीरो शो कर रहा था। अब फ्यूल इतनी मकदार बता रहा था कि वो बआसानी अपने घर तक पहुँच सकता था। हो ना हो, ये उन्हीं क़ुव्वतों का करिश्मा था जो हर गुजरने वाली गाड़ी को इसी तरह रोका करते थे। उसने दिल में शुक्रिया अदा किया कि उन शैतानी क़ुव्वतों से अल्लाह ने उसकी हिफाजत फरमाई। काशिफ ने कार वापस ही अपने घर की तरफ जानेब घुमा ली थी। सारे वाकया जैसे उसके जहन में किसी फिल्म की तरह घूम रहे थे जिनसे वो दो चार हुआ था। भड़कती हुई आग हर शय को जलाकर खाकस्तर कर चुकी थी। उसने वहाँ से निकलने के बाद बेहद तेज़ी दिखाई थी। उसे खुशी थी कि यह सड़क शैतानी क़ुव्वतों से पाक हो चुकी है। शायद ये उसकी भूल थी। कार थोड़ी ही आगे गई होगी कि उसको सड़क के वस्त में खड़ा हुआ कोई नज़र आया था। काशिफ उसको देख कर चौंक गया। उसने फौरन ही कार रोक दी। जैसे ही नौवार नज़दीक आया, काशिफ ने उसको पहचानने में देर नहीं की थी। वो ज़ख्मी हालत में मौजूद सदफ थी जो ज़ख्मी थी। सदफ की हालत काबिले रहम थी। उसकी हालत खुद भी इतनी अच्छी ना थी कि, लेकिन उसने फिर भी उसके लिए कार रोक दी। दरवाज़ा खोला तो सदफ ने चंद लम्हे तक काशिफ को देखा और फिर तनवीनी अंदाज में चलती हुई कार में बैठ गई। कार चल पड़ी थी। काशिफ ने महसूस किया कि सदफ को अस्पताल की ज़रूरत है। हम अस्पताल जा रहे हैं ताकि तुमको तिब्बी मदद मिल सके, फिर तुम अपने घर वालों को बुला लेना। सदफ ने सर हिलाया और बाहर की तरफ देखने लगी थी। उसने सदफ की आंखों में अजीब सी वहशत देखी थी, अजीब सी दरिंदगी थी। ऐसी दरिंदगी जंगली जानवरों की आँखों में पाई जाती थी। अचानक काशिफ कार में लगी बैक व्यू मिरर की तरफ देखकर चौंक पड़ा। बैक व्यू मिरर का रुख सदफ की जानिब था, लेकिन उसमें सदफ का अक्स नहीं, कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। काशिफ ने खौफजदा नज़रों से सदफ की जानिब देखा और उसी पल कार रुक गई। काशिफ ने देखा सदफ के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल चुकी है। रामोना का जिस्म तो ख़त्म हो गया, मगर उसकी रूह जिंदा है जो अब उस जिस्म में मौजूद है। सदफ ने जहरीली मुस्कुराहट से कहा। काशिफ ने ये सुना तो उसके हलक से चीख निकल गई। सदफ के ज़ख्मी हाथ उसकी गर्दन की जानब बढ़ रहे थे। दूसरे दिन पुलिस ने काशिफ को उस हालत में पाया कि उसका जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका है और हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा है। आंखों में खौफ और जमूत तारी था। कार में सदफ बेहोश हालत में पाई गई थी और उसकी हालत तशवीशनाक थी। चुनांचे उसको अस्पताल मुंतकल कर दिया गया था। कोई ये नहीं जानता था कि सदफ के रूप में रामोना इस दुनिया में वापस आ चुकी थी, बर्बादी और तबाही फैलाने के लिए। अगर आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।